Hello everyone, welcome back once again to your very own channel that is Maths Journey Prathu. So finally we are back with the 18th episode of Sunday Vani. So बच्चों finally हमने 18th episode पहला ये वाला series start किया था, episode start किया था और बहुत प्यार बहुत affection मिल रहा है मुझे ये वाला series से. तो हमने सोचा कि ये वाला series को हम continue ही करते हैं. तो इसी के लिए हम ये वाला series हर Sunday को लेके आते हैं जहाँ पे कि हम कुछ tips, कुछ moral stories, कुछ भी आप लोगों को देते हैं जो कि बहुत बच्चे को कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है. तो आज का जो सीरीज है बच्चों, आज का जो एपिसोड है उसमें हम कुछ मोरल स्टोरी तो मैं नहीं बोलूंगा, बट आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस टॉपिक होने वाला है आप लोगों के 10th 12th के जितने बच्चे हैं और 9th 11th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए. क्योंकि धीरे धीरे CBSE के बच्चे या फिर जो भी बोर्ड के बच्चे हैं अभी धीरे धीरे आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न होते जा रहा है वो MCQ बेस्ड पैटर्न में कन्वर्ट होता जा रहा है ड्यू टू दैट पेंडेमिक सिचुएशन. पहला साल आप लोगों का एग्जाम ही नहीं हुआ, आप लोगों का जो भी इंटरनल मार्क बेसिस में आप लोगों को मार्क मिला, कुछ बच्चों को उन लोगों का जितना मार्क चाहिए था उतना मार्क मिला, कुछ बच्चों को उनसे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल गया, कुछ बच्चों को उस एक्सपेक्टेशन से कम मिला. तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप लोग बिना एग्जाम दे के आप लोग जब आप लोगों को मार्क्स मिला है तो कोई बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड भी थे, बहुत बच्चे बहुत खुश भी थे और कुछ बच्चे पूरा एवरेज ही थे. ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए CBSE बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो या फिर ICSE बोर्ड हो वो अभी से क्या किए ना, CBSE जैसे कि आप लोगों का टर्म वन टर्म टू में दो बोर्ड एग्जाम में डिवाइड कर दिया. वैसे स्टेट बोर्ड भी उसका अलग अलग, स्टेट का अलग अलग आप लोगों का मतलब बोर्ड का उन लोगों का क्राइटेरिया चेंज हो गया है. तो बेसिकली CBSE के जो जितने भी बच्चे थे उनका 9 से लेकर 12 तक आप लोगों का टर्म वन टर्म टू के अनुसार वो डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वो बोल रहा है. तो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हम पहले जो पैटर्न हमारा था उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन हम इतना ज़्यादा नहीं करते थे अभी जितना आप लोगों का MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हो गया है. जैसे अगर मैं बात करूँ CBSE बच्चों का 9 से लेकर 12 तक आपका जो टर्म वन का एग्जाम है उसमें टोटली आपका 40 मार्क्स का जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आने वाला है, जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है, उसमें आप लोगों को ओनली MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है. तो वो बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि आप MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज कर रहे हो, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में. फिर उसके साथ OMR सीट भी वो दे दिया. तो OMR सीट हम ज़्यादातर मतलब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहता था उसी में हम OMR सीट का यूज होता था, बट अभी बोर्ड लेवल में आप लोगों का अगर OMR सीट यूज होने वाला है उसके पीछे आप लोगों को बहुत क्लियर होना पड़ेगा OMR सीट होता क्या है, OMR सीट के पीछे क्या क्या करना पड़ता है. अगर आप लोगों को OMR सीट में करना रहता है तो उसके लिए क्या हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, या फिर अगर OMR सीट में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा तो क्या हमको जितना टाइम हमारे गिवन है उतना टाइम में ही हमको करना पड़ेगा, या फिर हम क्या क्या करेंगे. तो बहुत सारा मतलब दिमाग में आप लोगों का सवाल उठ रहा होगा. तो उसी सवाल को आज थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा समरी करने के लिए कि कैसे आप लोगों को प्रिपेरेशन करना है, कैसे आपका प्रिपरेशन अभी चल रहा है और बोर्ड के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा आप लोगों को, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, MCQ क्वेश्चंस को कैसे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, सारा का आज के लिए ये वाला वीडियो में हम लेके आएंगे. तो पूरा लास्ट तक देखेंगे और 9 से 12 तक जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, चाहे कोई JEE लेवल के एंट्रांस के लिए प्रिपेयर हो रहा है, कोई नीट के लिए प्रिपेयर हो रहा है, सारा के लिए ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हम कुछ टिप्स मैं दूंगा जिसमें कि आप लोग MCQ और थोड़ा सा अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे और आंसर सॉल्यूशन निकलने का ज़्यादा चांसेस रहेगा वो सही होने का. तो लास्ट तक देखेंगे वीडियो को और वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, सो फाइनली अभी बात करते हैं हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट मीन्स आपको कुछ ऑप्शंस मिलता है, चाहे वो दो ऑप्शंस हो सकता है, ट्रू फॉल्स का ऑप्शन हो सकता है, कुछ कुछ में चार ऑप्शंस रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस में पांच ऑप्शंस रहते हैं. अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जाम आप लोगों का MCQ क्वेश्चंस उसी लेवल का ही आता है और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी डिपेंड करता है आप कौन सा लेवल का एग्जाम दे रहे हो. जैसे कि आप लोग JEE मेंस दे रहे हो, JEE एडवांस दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा एज कम्पेयर टू बोर्ड लेवल. तो बोर्ड का एग्जाम अभी MCQ कर दिया तो बोर्ड का क्या लेवल होना चाहिए, फिर आप लोगों का नीट का क्या लेवल होना चाहिए, अलग अलग बहुत सारा NDA है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप लोगों का 12th के बाद 10th के बाद, जिसमें कि आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को ही देके वहां से आप लोग का सिलेक्शन होता है. तो वो हम पहले क्या होता था, बोर्ड देने के बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देते थे वहां पे हमारा MCQ लेवल का क्वेश्चन आता था, बट अभी उसको थोड़ा सा मतलब सुधारने के लिए मतलब बच्चे जैसे वहां पे जाके कंफ्यूज ना हो तो बोर्ड लेवल में ही वो MCQ लेवल का क्वेश्चन अभी देना स्टार्ट कर दिया. कुछ ही दिन पहले आप लोगों का हम वेट कर रहे थे कि एक्चुअली में क्या मार्किंग स्कीम आने वाला है, तो कुछ ही दिन पहले 3-4 दिन पहले मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो. CBSE का जो 9 से लेके 12 तक का
जितना भी है 10th और 12th का बेसिकली बोर्ड लेवल का जो भी टर्म वन और टर्म टू टर्म वन का जो एमसीक्यू आने वाला है उसी का वो एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दे दिया जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। और जो जो लेवल का क्वेश्चन अभी आया है चाहे मैथ को ले लो, फिजिक्स का ले लो, केमिस्ट्री का ले लो, इंग्लिश का ले लो, बायो का ले लो, तो उसमें जो लेवल का क्वेश्चन आप लोगों का है उसी लेवल का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोग वो लेवल का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का क्योंकि सीबीएसई अपने तरफ से उसका लेवल सेट किया है। अगर हम अच्छे से उसको एनालाइज करें उसका उसके लिए एक एक्स्ट्रा हमें सेपरेट वीडियो मैथ के लिए लेके आऊंगा जिसमें कि हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे कि कौन सा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, हम क्या प्रैक्टिस करने से बहुत ज्यादा इफेक्टिवली उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वैसे अलग अलग का आप लोग सब्जेक्ट जिसको आप लोगों को पूछ सकते हो ताकि एक क्लियर कट आइडिया आ जाना चाहिए कि आप लोग का कौन सा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जा रहा है आप लोगों का बोर्ड वन को अच्छा परसेंटेज से स्कोर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आपका बोर्ड लेवल का एग्जाम बोर्ड वन अगर खराब हो जा रहा है, टर्म वन अगर खराब हो जा रहा है, तो टर्म टू में ऑब्वियसली उसको मेकअप करना बहुत हार्ड हो जाएगा सब बच्चों के लिए, चाहे वो 10th के बच्चे हों चाहे वो 12th के बच्चे हो, ठीक है। और रही बात कुछ दिन पहले एक फेक न्यूज आ गया था कि आप लोगों का जो 9th और 11th में भी बोर्ड लेवल का मीन्स बोर्ड क्वेश्चन भेजेगा, तो वैसा कुछ भी नहीं था, वो एक्चुअली फेक न्यूज था, कहीं से एक वायरल हो गया था जिसमें कि बोला जा रहा था कि 9th और 11th का भी बोर्ड से ही क्वेश्चन भेजा जाएगा बच्चों के लिए, बट वैसा कुछ भी नहीं है। 9th और 11th का जो भी क्वेश्चन है वो स्कूल ही प्रिपेयर कर, रेस्पेक्टिव स्कूल आप लोग प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पे बोर्ड नहीं होने वाला, सीबीएसई का बात कर रहा हूँ मैं। और जो भी 10th और 12th का जो होने वाला है वो बोर्ड लेवल का बोर्ड से क्वेश्चन आएगा, सारा कुछ होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, टर्म वन फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड, वहाँ पे आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, एसएसएन रीजनिंग आ सकता है। तो उसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उसको अच्छे से सुधारेंगे, ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है आप कितना उसको लेवल अप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप लोग प्रैक्टिस अभी से नहीं कर रहे होगे एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन का, ऑब्वियसली डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे चाहे जितने आप अच्छे बच्चे क्यों ना हो, ठीक बच्चों। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है आप लोगों का टर्म वन के लिए। और टर्म वन ऑब्वियसली अभी सितंबर महीना हो गया, सितंबर आज 12 हो गया, और अगर आप अभी तक आपका टर्म वन का सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हो तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप सितंबर एंड तक कंप्लीट करके अक्टूबर महीना पूरा प्रिपेरेशन में लगा दो, क्योंकि अगर अक्टूबर में भी बस आप पढ़ाई ही करोगे तो रिवाइज कब करोगे, और रिवाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट खराब होगा ही होगा, ठीक। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ टिप्स चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नहीं है जो आप लोगों के जो टीचर हैं वो आपका सब्जेक्टिव स्टेप्स देखेंगे। जैसे कि अभी मैं एज ए मैथ्स टीचर मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों स्टेप्स लिखना, एक एक स्टेप लिखो, स्टेप्स नहीं लिखोगे तो मार्क कटेगा। बट अभी मैं और कुछ नहीं बोल रहा उन लोगों को, ऑब्वियसली बात है अगर वो स्टेप्स लिखने बैठेंगे तो ऑब्वियसली उन लोग एमसीक्यू कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आ रहा होगा बट हम छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप लोगों का मार्क या फिर आपका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मैटर करता है। तो बहुत क्लियर होना है आपको कि स्टेप अगर आप लोग कर भी रहे हो पूरा स्टेप तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने का ट्राई करो। जहाँ पे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो गया, मैथ का प्रॉब्लम हो गया, जहाँ पे जितना हो सके आप शॉर्टकट यूज करने का ट्राई करो। बट ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज करोगे और रॉन्ग करके आ जाओगे, शॉर्टकट यूज करो बट इन ए गुड सेंस, मीन्स जैसे ऐसे शॉर्टकट, ऐसे ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक्स यूज करो जिसमें कि कम टाइम में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। बहुत क्लियर हो जाना है आपको 10th एंड 12th बच्चों को, ऐसे ही 9th 11th को भी अभी से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस बार के लिए वो ऐसा दिया है, हो सकता है कि इस बार दिया तो इम्प्लीमेंट अगर अच्छा से हो गया तो हो सकता है कि ये थ्रू आउट द ईयर अभी चलता ही रहेगा ये पैटर्न। तो बहुत क्लियर हो जाना है आपको ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में। तो पहला टिप जो आपको मैं दूंगा एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, पहले तो आपको टाइम मैनेज करना है, और सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट का स्किल अगर आपको एक्वायर करना है तो ऑब्वियसली आपको हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एमसीक्यू लेवल क्वेश्चन। मतलब एक टाइम लिमिट रख दो, घर में प्रैक्टिस कर रहे हो एक घंटा का टाइम रख दो और एक घंटा में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अलार्म लगा दो, टाइमर लगा दो और उसी के अंदर करना है। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं होगा, पर धीरे धीरे अगर कंटिन्यू करते चलेंगे तो 5-6 दिन 10 दिन में ऑब्वियसली आप लोग का टाइम मैनेज हो जाएगा। और अभी से अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग डायरेक्टली एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आ रहा होगा क्वेश्चन और आप लोग छोड़ के आओगे, दिख रहा होगा क्वेश्चन आ रहा होगा बट आपके पास टाइम नहीं होगा उसको सॉल्व करने के लिए। और अगर टाइम नहीं होगा सॉल्व करने के लिए उसको एमआर शीट में भी भरना पड़ेगा बच्चों। मैथ का बात कर रहा हूँ, 1.5 घंटा दिया गया है आपको 10th और 12th बच्चों को, 40 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, 40 क्वेश्चन 1.5 घंटा, 2 मिनट का टाइम मिल रहा है आप लोगों को एक क्वेश्चन को सॉल्व, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 घंटा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसको कि आपको पढ़ के समझने में 3 घंटा लगेगा, 3 मिनट लगेगा, सॉरी एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसको पढ़ के समझने में 3 मिनट लग रहा है, और एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसको पढ़ के करने में हार्डली 30 सेकंड लग रहा है। तो उसमें उसके अनुसार टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक क्वेश्चन के ऊपर
पूरा लगे रहे हो 5 मिनट 6 मिनट के अंदर, फिर वहां पे वो लास्ट में क्या पता चले वो होगा ही नहीं, तो टाइम का टाइम भी जाएगा, आप लोग कर भी नहीं पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल यहाँ पे प्ले करेगा आपका टाइम मैनेजमेंट। और आप पहला राउंड राउंड करके कर लो कि राउंड वन में आपको ऐसे कोशिश करना है जो पूरा डायरेक्टली हमको आ रहा है, राउंड टू में और जो जो नहीं हो रहा है उसको सर्कल करते जाओ। तो क्या होगा ना, आपका माइंड जो नहीं होगा वो पीछे में वो माइंड में वो चलता रह रहा। तो और एक बार पूरा राउंड लगा के बाद वही 8 नंबर में अगर आप लोग आ गए जो पहले आपको नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली वो आ जाएगा, वो सर्वे बोलता है। और हमने बहुत बच्चों को देखा भी है कि पहले आप अटेम्प्ट करोगे वो नहीं होगा, बट दूसरे बार जब राउंड करके आओगे और वही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पीछे में माइंड में वो चलता रहता है। ठीक है, तो ट्राई करके देखना, ये वाला ट्रिक बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। तो पहला राउंड में आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको बहुत क्लियरली आ रहा होगा। सेकंड, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, संस्कृत हो, उड़िया हो, कुछ भी हो, आप लोग कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो बहुत क्लियर होना पड़ेगा आपको कि पहला राउंड में वही क्वेश्चन करो जो आप लोगों को पहले बहुत अच्छे से आ रहा है। तो वैसे 70% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में, जहां पे कि आप लोगों को वो क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा होगा 70% लो की जरो। और 30% क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको एक पढ़ के समझना पड़ेगा। तो सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करो जो कि आपको पढ़ के थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन 5-6% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि डिफिकल्ट लेवल बहुत रहेगा, जिसको कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, तो उसको लास्ट में रखो। अगर वो भी नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बोर्ड लेवल के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अच्छे बच्चे की तरह उसको छोड़ के मत आना, सर नहीं आ रहा है तो छोड़ के आ गया, वैसा मत करना। कुछ जो नहीं आ रहा लास्ट में आपको तुक्का मार सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि छोड़ के नहीं आना है। कोई बच्चा बोले सर हमको 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आया और 10 क्वेश्चन आया नहीं इसलिए किए नहीं, तो उसका क्या बात हुआ भाई, कि अगर 10 क्वेश्चन छोड़ के आगे किसको दिखाओगे 10 क्वेश्चन छोड़ के आगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अगर आप लगा लेते वहां से 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाता तो ऑब्वियसली विल गेट 5 मार्क्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको ये एमसीक्यू लेवल जितना हार्ड, मतलब एमसीक्यू लेवल जितना आपको लोगों के ईजी है उतना आप लोगों के लिए हार्ड भी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता ना, स्टेप मार्क मिलके आपको मार्क्स मिल जाता था, बट एमसीक्यू में ऐसा नहीं मिलेगा। आपको सही करेंगे तो ही आपको मार्क मिलेगा, अगर गलत होगा तो मार्क नहीं मिलेगा। वहाँ पे ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना इन्विलेटर कुछ कर सकते हैं, ना और कोई कुछ कर सकते हैं, ना भगवान कुछ कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर होना पड़ेगा आपको वो अटेम्प्ट के लिए। ठीक, तो बहुत क्लियर होना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। टाइम मैनेजमेंट करो। और एक अच्छा ट्रिक होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, एलिमिनेट द ऑप्शंस, एलिमिनेट करना सीखो कि अगर आपको लग रहा है सी और डी ऑप्शन नहीं हो रहा है तो उसका एलिमिनेट करो, सी और डी ऑप्शन नहीं हो रहा है एलिमिनेट करो, ए बी से कौन सा हो रहा है। अगर वहां पे भी दिक्कत हो रहा है तो ज्यादा सर्वे, मैं एक रिसोर्स पढ़ रहा था, बहुत सारा वीडियो भी देखा, तो बहुत सर्वे के अनुसार वो बोला गया है कि एमसीक्यू लेवल क्वेश्चन में अगर लास्ट में कुछ भी नहीं आ रहा और आपके पास 4 ऑप्शन है आपको गैस लगाने का, तुक्का मारने का, तो ऑब्वियसली बी एंड सी ऑप्शन होता है जो कि ज्यादातर आंसर सही रहता है। बी और सी, बी में बी का थोड़ा ज्यादा रहता है सी, और बी बट सी का ज्यादातर रहता है। और कुछ ऑप्शन में क्या होता है ना, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दीज जो जहाँ पे रहता है, तो ज्यादातर 60-70% चांस होता है कि वो ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता रहा कि ये हमेशा काम करेगा, बट एट द वर्स्ट केस अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा और आपको छोड़ के नहीं आना है, मीन्स बोर्ड लेवल का क्वेश्चन को, तो आप ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दीज के ऑप्शंस में जा सकते हो और तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो एबीसीडी को चूज करना है, तो बी और सी ऑप्शन से जो आपको अच्छा लग रहा है वो चूज कर सकते हो टू गेट द मीन्स, हो सकता है वो सही हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द टिप्स बच्चों। ट्रू फॉल्स ऑप्शन आ गया तो ट्रू का ज्यादा चांसेस रहता है, मतलब सही होने का। और एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन वही लास्ट में सारा कुछ समअप करके अगर बताएंगे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बच्चा अभी से टाइम मैनेज कर रहा है ऑब्वियसली ही और सी विल गेट गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड्स, बट जो अभी से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ये मत सोचो कि आप 2 दिन पहले से टाइम मैनेज करके आप लोग बोर्ड में 40/40 रख लोगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एमसीक्यू बेस्ड। तो इसी टाइप का वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा, और सैम्पल पेपर का भी डिस्कशन लाएंगे, एनालिसिस करेंगे कौन सा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, और आप लोग सब्जेक्ट टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर्स के साथ भी आप कंसल्ट करो कि कौन सा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, और उसी लेवल का प्रैक्टिस करो। और अभी जस्ट हम देख रहे थे मार्केट में बहुत सारा आपका मतलब स्टडी मटेरियल भी आ गया होगा एमसीक्यू, और तो उसको जहाँ से मिल रहा है, जितना मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, आप लोग वहाँ पे उसको करते जाओ, बस एमसीक्यू करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अलग अलग लेवल का आपको क्वेश्चन मिलेगा, और जितना अलग अलग लेवल का आपको क्वेश्चन मिलेगा उतना आपका माइंड वास्ट होता चलेगा, कि हमको एक चैप्टर वन में इतना सारा क्वेश्चंस का अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ नहीं होगा, जो जो नहीं होगा वो टीचर से कंसल्ट करो, जो जो हो रहा है उसको मार्क करके रखो। ठीक है, और जो जो लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है उसको 2 बार करो, 5 बार करो, बट सारा टाइप के क्वेश्चन को समअप करके करो। एक एक चैप्टर से अगर आप 100-150 क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑब्वियसली 7 या 8 चैप्टर आ रहे हैं टर्म वन में,
हार्डली 1000 क्वेश्चन अगर एमसीक्यू हम अलग अलग बुक से करके ले आएंगे, एग्जाम्पलर हुआ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर भगवान फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट, ठीक है? तो बहुत अच्छे से उसको करो, ठीक? तो ऐसा टाइप का वीडियो मैं लाता रहूंगा और कुछ स्ट्रैटेजी एमसीक्यू को मैंने बोला था बहुत बच्चों को, बच्चे ने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था एमसीक्यू को कैसे प्रैक्टिस करना है उसके ऊपर वीडियो बनाए, तो इसी के लिए ये छोटा सा वीडियो, बट उसका एक पूरा परफेक्टली एनालाइज वीडियो मैं लेके आऊंगा और मैथ का जो 10th और 12th का जो सीबीसी का सैंपल है उसका भी क्वेश्चन डिस्कशन हम करेंगे वन बाई वन, ठीक है? तो बस इतना ही था, जितना हो सके ये 9th, 10th, 11th, 12th बच्चों को शेयर करो स्टेट बोर्ड सीबीएसई आईसीसी, ताकि एक थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे में और एक संडे वाणी को लेके और एक टॉपिक को लेके, और बीच में अगर कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिला तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा, और बहुत जल्द आपको का सैंपल क्वेश्चन पेपर और स्टडी रिलेटेड वीडियो बहुत दिन से नहीं आया बट बहुत जल्दी वो आने वाला है। सो बस पढ़ते रहिए, और ऑब्वियसली आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है उसके लिए जो भी मेहनत करना है आप लोग करो, और जो भी गाइडेंस चाहिए हम देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे ड्यूर, जय जवान।